इस मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता हमारे चाहते श्री राहुल गांधी जी ट्रेजरर अजय माकन जी केसी वेणुगोपाल जी सुखविंदर सिंह जी सुक्कू रेवंत रेड्डी जी रमेश चेनीताला जी नाना पटोले जी बाला साहेब थोरात जी विजय वडवट्टीवार जी और बंटी पाटिल जी और सारे इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वर्किंग कमिटी के मेंबर्स कांग्रेस के नेता और यहाँ पधारे हुए मेरे भाई और बहन और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा बोलने नहीं जाता क्योंकि जो कहना था वो राहुल गांधी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी। और मैं यहां जो आया हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी जी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये सभी लोग यहां पर देश के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए और सामाजिक न्याय के लिए वो लड़े हैं। ऐसे एक पवित्र स्थान पर हम आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। नागपुर एक क्रांतिकारियों की भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहां पर कम से कम 2600 दिन यहां पर उन्होंने गुजारा है। करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की, देश को आजादी दिलाने के लिए उनका काम यहां बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहां आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना इस विचारधारा का यहां पर बात होती थी। लेकिन भाइयों, यहां दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपको बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते हैं। तो भाइयों, मैं यहां से इतना सबको विनंती करूंगा कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। जिस देश में
वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वोटिंग का अधिकार संविधान आने के बाद ही हुआ। महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, और आज जो 18 साल के युवा भी जो वोटिंग कर रहे हैं वो राजीव गांधी की देन है। ऐसे चीजें कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी के लोग सिर्फ अपना संपत्ति कैसा बढ़ा लेना, संपत्ति को कैसा बचाना और संपत्ति को और 10 गुना करना, ये उनका काम है। लोग ये कहते हैं और बार बार मोदी जी और उनके लोग, देश की प्रगति हो गई, हम आने के बाद देश आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं? मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है? मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद, सब मिलने के बाद वो आज उस गति पे बैठे हैं। मेरे को लिख के भेजे हैं, थोड़ा मैं मराठी में बोलूं। अरे भाई, मैं मराठी बोलतो है नहीं म्हणून नाही, पण माझी विचारधारा जे आहे ते जवाहरलाल नेहरूच्या विचारधारेवर आणि बाबासाहेब आंबेडकरच्या विचारधारेवर, महात्मा फुलेच्या विचारधारावर आम्ही चालतो। पण मोदीजी कुणाच्या विचारधारेवर चालतात? ते आरएसएसच्या विचारधारेवर। समानतेच्या विरुद्ध आहेत आणि ते आज ना उद्या पुन्हा दलितांना, ते दलितांना खाली दाबतील, कारण स्कॉलरशिप बंद आहेत, बोर्डिंग्स बंद आहेत, शाळाला जे ग्रँट द्यावं ते देत नाहीत, लोकांचे, मुलांचे, युवाचे सगळे आज स्कॉलरशिप बंद झालेले आहेत। आणि आणखीन एक तुम्हाला सांगायचं आहे, शिक्षण हे महत्त्वाचं आहे, म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरनी सांगितले, एज्युकेट, ऑर्गनाइज अँड एज्युटेट। शिक्षण घ्या, संघर्ष करा, एक व्हा, हे त्यांची वाणी आहे, ते आज आपण घेऊन चाललं पाहिजे। ते जर नाही घेतलं, तुम्ही विसरला, तर तुम्ही कुठेही राहणार नाही। जे काही मिळालं तेही जाणार आहे मोदीच्या सरकारमुळे, आरएसएसच्या लोकांमुळे। बंधूंनो, आज काय, आज लोकतंत्र खतरे में है। आज इतने इन्फ्लेशन, एवढा प्राइस राइज आहे, किंमत एवढे वाढले, आवश्यक वस्तूचे ते सगळे आकाशला, म्हणजे आकाशपर्यंत पोहोचलेले आहेत। त्याच्याबद्दल मोदी काही बोलत नाही। त्याच्यानंतर रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट इतका आहे, देशात 30 लाख नोकऱ्या खाली आहेत, पण 30 लाख नोकऱ्या खाली असताना सुद्धा मोदी ते भरत नाही, कारण की जे नोकरी भरला तर ते रिझर्वेशन त्याच्यात होईल, बॅकवर्ड क्लासला मिळतील, शेड्यूल कास्ट लोकांना मिळतील आणि मागास वर्गाला मिळतील आणि हे जे एसटी लोकांना मिळेल, म्हणून ते 30 लाख वेकेन्सी जे सरकारमध्ये खाली आहेत ते भरत नाही। आणि 8-10 हजार कुठं रिक्रूटमेंट केलं तर त्याचे जे हे आहेत नोकरीचे पट्टे तेच वाढतात। अरे आमच्या काळात डेप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी
कुणीतरी सेक्शन ऑफिसर पोस्ट ऑफिस ने पाठवत होता नौकरीचे हे पत्र. आता मोदी साहेब स्वतः स्टेज वर येऊन ते फर्स्ट डिविजन सेकंड डिविजन चे डॉक्युमेंट ते देतात. तुम्ही विचार करा, एक मनुष्य इतका खाली जातोय म्हणजे ते देशाला फार वाईट आहे. ते मी म्हणा आता म्हणणं योग्य नाही, कारण दुसरा काही शब्द बोललो की आमचं एवढं केलेलं सगळं मातीत जातंय, म्हणून मी त्याला आता छेडत नाही. दुसरा केव्हा तरी वेळ आली तर मी बोलतो. आज गरीब आणि श्रीमंतामध्ये फार आज हे झालेलं आहे. गरीब अति गरीब होत आहे, श्रीमंत अति श्रीमंत होत आहे. अरे या देशात आम्ही जेव्हा सरकार सोडली त्यावेळेला केवळ 5 लाख करोड रुपये आम्ही कर्ज सोडून गेलो होतो, पण आज मोदींनी देशावर 200 लाख कोटी रुपये कर्ज आज त्यांनी केलेला आहे. 2 लाख करोड म्हणजे 200 लाख कोटी रुपये आमच्यावर कर्ज त्यांनी ठेवलाय. आणि म्हणतोय सब ठीक है, सब खुशहाल है, हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया. क्या आगे बढ़ाया? 200 लाख तो आपने कर्जा रखा, और जो सहूलतें मिल रही थी वो सब एक एक होकर आप काट रहे हो, और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट अपने थे वो भी काट रहे हो. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत ते लोक आज बजेट कमी करायचं आणि सेवकली सांगायचं की मी हे केलो ते केलो. अरे बाप, तुम्ही मणिपूरमध्ये ते लोक मरू लागलेत, तिथं अनेक स्त्रियांचं रेप होऊ लागलंय आणि लहान मुलं मरू लागलेत, तिथं मोदी जात नाहीत. कुठं जातोय? इनॉग्रेट करण्यासाठी अहमदाबादला डायमंड हाऊसला जातोय. मोदी कुठे जातात की त्यांना जे पाहिजे पार्लमेंट सोडून त्यांनी लखनौ मध्ये राहतात. अरे एकीकडे पार्लमेंट आहे चाललेलं आहे, दुसरीकडे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हे बाहेर फिरतात. हे काय कुठंतरी असं होतंय? पार्लमेंट कशासाठी बोलावतात? आम्ही एमपीज कशासाठी जातो? की लोकांचे मुद्दे तिथं ठेवण्यासाठी. लोक आता काय अनएम्प्लॉयमेंट आहे, बेरोजगारी जे आहे, तसंच जे इन्फ्लेशन आहे, हे सगळ्या गोष्टी आणि आपल्या किसानांचं फार्मर्सचं हे प्रश्न तिथं ठेवण्यासाठी आम्ही जातो, पण तिथं प्रधानमंत्री पायच ठेवला नाही, राज्यसभेत तरी पाय ठेवला नाही, मला वाटतंय लोकसभेमध्ये सुद्धा पाय ते ठेवलेच नाही. म्हणजे एवढी घृणा लोकसभेबद्दल राज्यसभेबद्दल आहे. आणि त्यांनी आम्हाला डेमोक्रेसी शिकवतोय. अरे डेमोक्रेसी प्रकार तुम्ही आत येत नाही, आणि जे लोक पार्लमेंटमध्ये येऊन जे गॅस सोडले वरून उडून आले ते कसं आले, कोण आणलं? आज मी सांगतो तुम्हाला, एक बीजेपीचा एमपी त्यांना साईन करून दिला होता आणि त्याच्यामुळं ते सगळं झालं. पण ते एक एमपीला रक्षण करण्यासाठी, त्या एक एमपीला वाचवण्यासाठी 146 एमपीजना बाहेर घातले. आपल्या लोकांना बाहेर घालून सगळे कानून सगळे पास करून घेतले. हे क्या लोकतंत्र आहे? हे प्रजातंत्र आहे? नाही. नाही तर तुम्हाला त्यांना लेसन शिकवावं लागतंय, धडे शिकवावं लागतंय. तुम्ही जर त्यांना धडा नाही शिकवला पुन्हा हेच करणार तो. हे आता जसं आपले राहुल गांधीजी सांगितले, इंडिया अलायन्स हे एक होऊन
बीजेपीच्या विरुद्ध आम्ही फाइट करणार आहोत आणि इंडिया अलायन्स एक झालं तर बीजेपी कुठेही तुम्हाला दिसणार नाही अशी शक्ती या इंडिया अलायन्स मध्ये आहे पण त्याला कसं खतम करावं आमच्यामध्ये कसं डिवाइड करायचं ते त्यांनी सुरू केलंय आतापासून काय काय करता मंत्र मला माहित नाही कारण हैदराबाद मध्ये एक स्पीच मी त्यांचा ऐकला जे रेवंत रेड्डीने काहीतरी एक भाषण केला त्यावेळेला त्यांना सांगितलं राजस्थान मध्ये त्यांनी सांगितलं जर तिथला घालोट हा जादूगार आहे तर मी चमत्कार करणारा माणूस असं त्यांनी सांगितलं म्हणजे त्यांनी सगळ्यांना कोणत्याही रीतीने दाबून ठेवण्याचं काम करतंय खोटं बोलतोय आणि त्याच्यासारखं खोटं बोलणारा माणूस कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही काय केलं त्यांनी सांगितलं तुम्हाला 2-2 कोटी नोकरी प्रतिवर्ष देतो म्हणला की नाही मग मिळाले कसं मिळत नाही हो का तो प्रधानमंत्री आहे खोटं बोलतोय 15 लाख रुपये तुम्हाला देतो म्हणला दिला नाही दिला मग का प्रधानमंत्री खोटं बोलतोय का आम्ही सांगणारे खोटं बोलतोय आणि हेच पार्लमेंट मुद्दा सांगतोय आता पुन्हा एक नवीन चमत्कार करू लागलाय आता सगळं सोडून काम सोडून लोकांचे कठिनाई सोडून आमच्या किसानचे मुद्दे सोडून अनएम्प्लॉयमेंटचे मुद्दे सोडून आता सगळं देवाकडे लागलाय देवाकडे लागून ह्या इलेक्शन मध्ये ते सगळं एक एक करून भजन करत तुमच्याकडे येईल तर बंधूंनो तुम्ही त्या कशालाही बघू नका देशासाठी देश वाचवण्यासाठी तुम्हाला इंडियाला महत्व द्यायचं आहे देशाला वाचवणं संविधानाला वाचवणं लोकतंत्राला वाचवणं हे तुमचं आदि कर्तव्य आहे हे जर उरलं किंवा याला तुम्ही जर वाचवला तर सगळं वाचतं त्यासाठी मी जास्त बोलत नाही कारण यांच्या काळात मी जास्त सांगत नाही आणि मीडियाच्या लोकांना सांगितलं सर राहुल जी इनको पाप कहने से कुछ नहीं होता ये मीडिया के लोग जो है ना ये काम करने वाले हैं इनके पीछे जो है ना उनको पकड़ना पड़ता हमको इनके पीछे जो कॉरपोरेट कंपनीज है ये तो पाप मजदूर है सैलरी लेने वाले हैं नहीं तो उन्होंने अगर रिपोर्टिंग ठीक नहीं करे तो दूसरे दिन निकाल देते हैं तो वो डर के वो मालिक जो बोलता वही लिखते हैं तो इसीलिए हमको यही कहना है कि यहां करके कॉरपोरेट कंपनियां अमीर लोग जो कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को फंड दे रहे हैं उसके तरफ हमको देखना है तो इससे मैं ज्यादा सवाल नहीं उठाता हूं हम जो तेलंगाना में जीते जरा हमारा हौसला बढ़ा कर्नाटक जीते ये सब हमने जीते लेकिन एक दो तीन स्टेट में हमको थोड़ा धक्का लगा है और वो धक्का लगने से आप मायूस होने की जरूरत नहीं हिम्मत रखो हम लड़ेंगे किसको डरेंगे नहीं डरने का सवाल नहीं अरे ऐसे ब्रिटिशों को हमने भगाया है क्या मोदी को डरेंगे क्या बीजेपी को डरेंगे क्या आरएसएस को डरेंगे अरे वो लोग तो डर के
ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है, ये डर के माफी माना नामा मांग लिए, तो ये लोग डरपुक है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना आप तो बहादुर लोग हैं। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो शेर है, बब्बर है, लेकिन शेर कभी घास खाता है नहीं, तो शेर है आप। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा चीजें आपके सामने नहीं रखना चाहता, जो चीजें पार्लियामेंट में भी घटे। और आज हमको ब्लेम करते हैं, मोदी ये ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस वाले अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। अरे पार्लियामेंट के बाहर निकालने वाले ही आप हो, हमको बात करने के लिए नहीं देते। हमने सिर्फ इतना ही पूछा, ये जो दो चार लोग अंदर आ गए, वो कैसा आए, क्यों आए, उसके पीछे कौन है। अगर उसके जगह आज बीजेपी के एमपी के बजाय कांग्रेस का एमपी अगर कोई होता तो हमको कलंकित करते थे, बदनाम करते थे, लेकिन ये लोग एक एमपी को बचाने के लिए 147 लोगों को इन्होंने बाहर डाला। ठीक है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। उसके बाद में जितने काले कानून जो हमारे लोगों के खिलाफ है, वो क्रिमिनल लॉ हो या दूसरा, वो ब्रिटिशर का नाम बोल के ये कर रहे हैं। भाई आपको सपना अभी गिरा क्या? जब वाजपेयी थे, 6 साल आपने हुकूमत की, क्यों नहीं उस वक्त ये कहा, आपने नहीं किया? और 9 साल आप हुकूमत में, उस वक्त आपको याद नहीं आया? अब इलेक्शन आ रहे, कुछ ना कुछ करना आप करते जा रहे हो, लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लोग कहला स्वीकार करना तो नहीं, हे नुस्त माणूस खोटो बोलना रहे, आणि किती दिवस असं खोटो बोले। आणि लोक, मी ते नांदेड मध्ये एकदा सांगितलं होतो, त्यांचं तत्व काय, खोटं बोला पण रेटून बोला, असं म्हणजे बोलो झूठ बोलो दबा के बोलो, ये मोदी काय। और हमेशा ये वो कहते हैं, अगर कोई भी वायदा करते हैं, वो वायदे का उन्होंने बार बार जिक्र करते थे, फिर थोड़े दिन के बाद वो कहते थे कि ये जो हमारी बात है वो चुनाव में बोले, ये कहते थे। इसीलिए मैं एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं, आने वाले चुनाव में हमारे को इंडिया अलायंस को या कांग्रेस पार्टी को शक्ति मिला, आपने शक्ति दिया, तो हम न्याय स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। हमको शक्ति मिलने के बाद गरीबों के लिए न्याय स्कीम दिलाएंगे, और कम से कम 60-70 हजार रुपए हमारे महिलाओं को बराबर हम देने की व्यवस्था करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हम महिलाओं को सशक्त नहीं करें और उनके हाथ में पैसे नहीं गए, तो अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, बच्चों का फीस का ये सब वो जो ठीक से महिला करती है, पुरुष भी करते हैं, जरा कम करते हैं। इसीलिए हम एक वायदा करते हैं, आने वाले चुनाव में हमारी शक्ति, आप शक्ति हमको दो, हम ये जो न्याय स्कीम है उसको हम लागू करेंगे। कौन सा स्कीम? अरे वो पैसे लेने को भी आपकी आवाज कम है। न्याय स्कीम, हम जो कहे हैं वो करें, बोले तैसे चाले त्यासी बंधावे। हम तो बोल के जो बोलना है वो बोलते हैं और करते भी हैं, तुम उनके ही बात नहीं सुनते हो। इसीलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कह के मेरे बात को समाप्त करता हूं। और राहुल जी जो लंबी बात करे, हाँ, और उन्होंने जो हमको बताया उसको
मैं उनको धन्यवाद देता हूं और एक अपील करता हूं साथियों, 139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का बहुमत गौरवशाली इतिहास है। आप लोग और आपके पूर्वज तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इस मौके पर मैं देश भर के कांग्रेस जनों से अपील करता हूं कि वे पार्टी से जुड़े विभिन्न भाषाओं के पुराने साहित्य, फोटो, महत्वपूर्ण नेताओं के पत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज को पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में स्कैन करके भेजे, उनको वेरीफाई करके चुनिंदा दस्तावेजों को हम कांग्रेस के आर्काइव में रखेंगे। जिनसे दस्तावेज मिलेंगे उनका नाम भी लिखेंगे, ये इतिहास के पन्नों में जाएगा। जो भी आपके पास कांग्रेस के बारे में लिखे हुए कागज है, जो महात्मा गांधी जी के हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हो, वल्लभ भाई पटेल के हो, अब्दुल कलाम आजाद के हो, किसके भी हो, जैसा कि यहाँ पर तीन तो हमारे अधिवेशन हो गए और फैजपुर जो वहां पर भी एक नेहरू जी के नेतृत्व में फैजपुर में भी एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में जो आंखों देखी हालात, उस वक्त के जो लिखा पड़ी है, अगर किसी के पास भी है तो आप हमको भेज दीजिए, ताकि हम कांग्रेस ऑफिस में जो हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें रखेंगे, आगे आने वाले बच्चों को एक मार्गदर्शन होगा। इतना कहते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। और नए साल का आप सबको मुबारक शुभकामनाएं हो। और आखिरी में यही कहूंगा कि आप एक होकर काम करेंगे और गरीबों को बचाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये सामने के लोग पहले बहुत पुकारते थे, अब कम हो गया। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।